बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लाइन ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना, लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक भी चलने वाली नहीं है, इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज, भूल जाए ये सब। और ये घिनौनी हरकतें यहां भी करने से बाज नहीं आते हैं। तीन दिन पहले हांसी में घटना हो गई, और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई, 11 लाख लूट लिए तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या, उसी व्यापारी का षड्यंत्र, करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी, बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया। और व्यापारी मिला कहां से, छत्तीसगढ़ से। जैसी घटना हुई, चाहे वो सुरजे वाला है, चाहे वो हुड्डा है और चाहे शैलजा है, एक से एक बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, वो इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सुखी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा भूल जाओ कि बाद में वापिस ना ले सको, डूबना चाहिए इन लोगों को। तो मित्रों, कांग्रेस की काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी, इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो और चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है, ये लोग जाति पाति की राजनीति उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। 5 साल पहले 6 साल पहले एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और लोगों ने उसको सराहा था। नाउ डेज हैव गॉन, जब पुराने समय में ये चलता था भाई हाँ ये जातियों के चौधरियों की बात, चौधर मेरी चौधर तेरी, चौधर यहां की चौधर वहां की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर, बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में। जब राज्यसभा की बारी आई तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको, एक सीट इनकी बनती थी क्योंकि इनके 31 विधायक थे, 1/3 से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है हरियाणा में, पता ही था एक सीट पक्की है, लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राज्यसभा में भेजे। तो इनकी चौधर इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं।